भैया हो, गाड़ी उड़ी भड़केगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब जो ना फनफनाएगा, हाथ गर्म है अभी। कल एक घटना घटित हुई थी जिसमें दो बाइक पर सवार दुपट्टे वाले एक महिला का पर्स छीन लिया था, तो उसमें एक FIR दर्ज हुआ था जिसके अनुसार हम लोगों ने एक आदमी को सुबह जेल भी भेजा। लेकिन उससे पहले हम लोग को जानकारी मिली है जो अभी का जो घटना है इसी से जुड़ा हुआ मामला प्रतीत होता है, वो इस प्रकार है कि वो महिला और जो दुपट्टे मार थे दोनों एक ही गाँव के थे। दुपट्टा मार की घटना होने के बाद महिला जब अपने वापस गाँव गई तब आपस में इन लोगों के बीच में तुतुमे की घटना हुई, उस सामान उन्होंने वापस किया और इस तथ्य को जो महिला थाने का है आवेदन दी उन्होंने इस तथ्य को छिपाया। हम लोगों ने FIR कर दिया और अविलंब उसकी गिरफ्तारी कर ली, उसको हम लोगों ने जेल भेज दिया। उसका जो दूसरा साथी था वो बचा रह गया और संभवतः उसी के द्वारा अपने दूसरे साथी की मदद से आज स्कूल में घुस कर उनके जो बेटे हैं जो कक्षा 5वीं के छात्र थे उनको चाकू मार दिया और जब तक हॉस्पिटल पहुँचता वो उसने दम तोड़ दिया। तो आगे भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। और जो प्रोजेक्ट का अभी सबसे बड़ा दोष है कि स्कूल प्रशासन ने ससमय क्यों नहीं हॉस्पिटल पहुंचाया, उन बिंदुओं पर भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है। लेकिन अब ये दुखद घटना है, इसमें जो लोग चिन्हित हुए उसकी गिरफ्तारी जो लगता है उसका कुछ पता चला है जिसने चाकू मारा, कुछ नाम बता रहे हैं? हाँ, उसका नाम तो बता रहे हैं, वो आइडेंटिफाई हुआ है, उसकी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। और बाकी और लोग उनके साथ है या नहीं है और कौन लोग हैं उसको भी हम लोग चिन्हित करेंगे, उसको भी निकालेंगे।